हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था पीपल एज रिसोर्स, जिसमें हमने पहले ये देखा था कि कैसे जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक एसेट्स के रूप में काम आ सकती है। और उसके बाद में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मैन और वुमेन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी क्या क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। कि किसी भी पॉपुलेशन, जो भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, कि हमारी लिटरेसी रेट है क्या है। लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता दर किसको, एजुकेशन जो रेट है वो कैसी है, हमारे जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, उनमें स्किल फॉर्मेशन कैसी है, ये सब, इन सब पे क्या है हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। कि जितनी क्वालिफाइड क्या है हमारी पॉपुलेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या है हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन असेट्स। की लिटरेट और हेल्थी पॉपुलेशन क्या है, हमारे लिए एक असेट्स के रूप में काम आते हैं। अब पहले देखो क्या है, एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पहले दो स्टोरीज रीड की थी सकाल और विलास के बारे में। सकाल क्या था, सकाल को क्या है एजुकेशन मिली थी स्टार्टिंग से, और जिसका फ़ायदा क्या है उसको फ्यूचर में जाके मिला। बट जो विलास था क्या है, उसको एजुकेशन में इंटरेस्ट ना होने की वजह से और उसकी जो घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो क्या है एजुकेशन अपनी कर पाए, इसलिए क्या है एजुकेटेड ना होने की वजह से उसको क्या है अपनी मदर का बिजनेस ही क्या है आगे कैरी ऑन करना पड़ा। तो ये क्या है, अगर हम एजुकेटेड होते, अगर विलास भी क्या है सकाल की तरह एजुकेटेड होता तो वो उसकी लाइफ में एक वैल्यू को ऐड कर देता। सकाल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ ए गुड जॉब एंड सैलरी। कि जो सकाल को एजुकेशन उसके स्टार्टिंग ईयर्स में मिली उसका फल उसको क्या है बड़े होके मिला एज ए गुड जॉब एंड सैलरी। वी सॉ एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकाल। कि हमने देखा कि एजुकेशन क्या एक इम्पॉर्टेंट इनपुट के रूप में यहाँ पे, कि उसने इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन में जिसका फ़ायदा उसको बड़े होके मिला। इट ओपन्ड न्यू होरिजन फॉर हिम। इसने क्या है उसकी एजुकेशन ने उसके लिए नए दरवाजे खोल दिए। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। Not only for सकाल education contributes towards the growth of the society also। कि सिर्फ सकाल को ही नहीं बल्कि क्या है education क्या है हमारी society की growth में भी help करती है। It enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance। कि अगर हम educated हैं, education क्या है हमारी national income में improvement लाती है, हमारे culture को रिचनेस प्रोवाइड करती है और हमारी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करती है। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल इम्फेसिस ऑन गर्ल्स। कि क्या है एक प्रोविज़न बनाया गया है जिसमें क्या है क्या दिया गया है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। मतलब कि सभी को क्या है रिटेंशन, ये एक तरीके से क्या है गवर्नमेंट ने मोस्टली क्या है गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन के लिए क्या है प्रोविजंस बनाए हैं जिसमें क्या है स्पेशली हर किसी को क्या है एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। देर इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और इसी के कारण मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के पर्पज से क्या है एक स्कूल्स की अच्छी सेटिंग भी बिठाई गई है या बनाए गए हैं, जैसे कि क्या है नवोदय विद्यालय है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। काफ़ी क्या है vocational streams क्या है government के through क्या है शुरू की गए हैं ताकि क्या है girls and boys हैं जो उनको क्या है वो इसका फ़ायदा उठा सकें और उनको क्या है उनकी knowledge and skill को improve किया जा सके। The plan outlay on education has increased from ₹151 crore in the first plan to ₹3,766.90 crore in the 11th plan। की जो plan outlet है education से related, वो देखो हमारे first year plan 5 years plan जो हम मानते हैं हर साल जो एक plan चलता है, first year plan में ये कितना target रखा गया था इसके लिए 151 crore, और ये 11th plan तक कितना पहुँच गया 3,766.90 crore तक। The expenditure on education as a percentage of GDP rose। कि
जो भी एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे वो क्या है एज ए हमारे जीडीपी में क्या है इंक्रीमेंट हुआ है। जीडीपी क्या होता है, जो भी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हमारी कंट्री का ओवरऑल जो भी क्या प्रोडक्शन होता है उन एक्टिविटीज़ में इसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू 3.0% इन 2015-16 कि हमारा जीडीपी क्या है 1951-52 में कितना था 0.64% था, जो 2015-16 तक कितना पहुंच गया 3% एंड हैज़ रिमेंड स्टैगेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, और पिछले कुछ सालों से क्या है 3% पे ही टिका हुआ है। द बजटरी Estimates as stated in the budget documents of Union State Governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18. कि जो budgetary estimates हैं वो जो documents हैं state governments के या Reserve Bank of India के वो क्या show करते हैं कि जो expenditure है education पे as a GDP percentage उसमें decline हो चुका है, मतलब कि 2017-18 में वो कितना रह गया 2.7%। The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11 कि जहाँ पे 1951 में लिटरेसी रेट हमारी साक्षरता दर कितनी थी सिर्फ 18% थी, वो 2010-11 में कितनी हो चुकी है 74%। Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. कि literacy क्या है सिर्फ एक right नहीं है बल्कि ये क्या है it is also needed if the citizens are to perform their duties. ये किस लिए चाहिए, अगर कोई भी नागरिक है उसको क्या है अपनी duties को perform करना है और उसके rights को उसको मतलब कि rights को उसका पता होना चाहिए, rights का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए ये necessary है। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि education क्या है सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने राइट्स पता हैं बल्कि उन राइट्स का कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। However, a vast difference is noticed across different section of population. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. कि वो क्या है लिटरेसी जो रेट है उसमें हम काफ़ी डिफरेंस दे सकते हैं अलग अलग जो सेक्शन है सोसाइटी में उनके अंदर, कि देखो मेल एंड फीमेल में कितना, जो मेल की लिटरेसी रेट है वो कितनी ज़्यादा है 16.66% हायर देन फीमेल, और अर्बन एरिया में 16.1% हायर है देन रूरल एरियाज। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार, की लिटरेसी रेट जहाँ पे केरला में कितनी है 94% है, बिहार में कितनी है वो सिर्फ 62%। ये बताया हुआ है चेंज इन लिटरेसी रेट अलग बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में। The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013-14 कि primary school system को क्या किया गया है expand किया गया है 2013-14 में। Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates कि दुर्भाग्यपूर्ण क्या है ये जो schools का expansion किया गया है ये क्या है schooling की poor quality होने की वजह से ये क्या है पानी में, मतलब कि ये जो हमारा पर्पस था ये एक पानी में मिलके रह गया। डिल्यूटेड का मतलब पानी में घुल जाना, तो मतलब कि ये जो प्रोविजंस थे हमारे ये बने बनाए रह गए, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवार्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010 कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये एक अच्छा मतलब कि स्टेप था हर किसी को क्या है जो बेसिक एजुकेशन होता है 6 to 14 ईयर के बच्चों के बीच में बेसिक एजुकेशन यानी कि सबको मिलनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान एक प्रोग्राम रन किया था जिसने क्या है काफ़ी हेल्प भी की है। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कि एक मतलब कि गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मतलब कि सही टाइम पर लेने वाला एक डिसीजन है किसके साथ मिलके स्टेट के साथ लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके ताकि मतलब कि हर जगह क्या है ये जो प्रोग्राम है इसको यूनिवर्सलाइज किया जा सके हर जगह इसको अप्लाई किया जा सके और जो भी हमारा टारगेट है यानी कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करने का उसको अचीव किया जा सके।
along with it bridges courses and back to school campus have been initiated to increase the enrollment in elementary education. कि इसके साथ साथ क्या है कि courses and back to school campus have been initiated to increase the enrollment in elementary education. कि सभी क्या है इसमें हिस्सा लें, ठीक है, मतलब कि स्कूल्स में एनरोलमेंट एक तरीके से कि हर कोई बच्चा है वो क्या है स्कूल में आके इसका बेनिफिट ले सके. मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. अब एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए, अब बच्चे जब तक स्कूल कैंपस में नहीं आएंगे तब तक क्या है वो एजुकेशन उनको नहीं मिल पाएगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक मिड डे मील स्कीम भी शुरू की थी ताकि क्या है लो अटेंडेंस को अंकरेज कर सकें और बच्चों का अटेंशन भी क्या है स्कूल की तरफ वो कर सकें. दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. कि ये सारी पॉलिसीज क्या हैं इंडिया की पॉपुलेशन को लिटरेट करने में हेल्प कर सकती हैं. द 12th प्लान एंडेवर्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स टू 25.2% बाई 2017-18 एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाई 2020-21 विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज. कि 12th जो प्लान था उसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया गया, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो पे, किसकी, हायर एजुकेशन की, जो एज ग्रुप 18 to 23 के बीच के जो पर्सन्स हैं उनका कितना मतलब कि एनरोलमेंट है एजुकेशन में. द स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कि इसमें मतलब कि क्या स्ट्रेटजी, जो ये हमारी यूथ को अंकरेज करने की स्ट्रेटजी थी ये किस पे फोकस कर रही थी कि क्वालिटी लेके आना, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, करिकुलम मतलब कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन स्पीकिंग से रिलेटेड एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी के फील्ड में एक बड़ी प्रोग्रेस लेके आना. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, मतलब कि जो दूर दराज है हर जगह क्या है किसी को एजुकेशन मिले फॉर्मल और नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. कि पिछले 50 सालों में क्या है एक significant growth हमें देखने को मिलने को हम एक significant growth देख सकते हैं किसमें, number of universities as institutions of higher learning जो special areas में बनाए गए हैं. यहाँ पे देखो आपको ये टेबल दिखाई हुई है नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस कि कितने नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, कितने एनरोलमेंट मतलब कि कौन सी फैकल्टी है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, हमारा सेकंड देखो, अभी हमने रीड किया था एजुकेशन, हमने कहा था क्वालिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो एजुकेशन और हेल्थ दोनों पर डिपेंड करती है, तो हम एजुकेशन के बारे में रीड कर चुके हैं, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, हेल्थ के बारे में. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? कि कोई भी firm है उसका main motive क्या होता है, profit earn करना होता है. क्या आपको लगता है भी कोई भी firm क्या है ऐसे employee को रखना पसंद करेगी जो क्या है efficiently अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है बीमार है. The health of a person helps him to realize his her potential and the ability to fight illness. कि किसी भी person की health क्या है, क्या उसको किस चीज़ में help करती है ये realize करने में कि उसमें क्या ability है और कितना वो काम करने के लायक है. He she will not be able to maximize his her output to the overall growth of the organization. कि अगर कोई भी ill person हमारे organization में काम कर रहा है तो वो क्या है able नहीं होगा कि वो हमारी organization की growth में help कर सके. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. कि health necessary है हर किसी के लिए, ये देखना कि हर कोई क्या है ठीक रहे. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. इसके लिए मतलब कि क्या है जो improvement in health status है लोगों की population की वो necessary है किसी भी country के लिए. Our national policy too aims at improving the accessibility of health care. कि जो हमारी national policy है वो भी किस पे focus करती है,
वो भी क्या उम्मीद करती है कि आने वाले टाइम में हम क्या है हेल्थ फैसिलिटीज़ को क्या है इम्प्रूव करें। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कि फैमिली वेलफेयर पे और न्यूट्रिशनल सर्विसेज मतलब कि हर किसी को क्या है जो नेसेसरी हमें पोषक तत्व चाहिए वो मिल सकें, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ ऑल्सो डिवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट, कि पिछले 5 decades में यानी कि 5 दशकों में या 50 सालों में इंडिया ने क्या है एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अटेन किया है और क्या डेवलप किया है मैन पावर रिक्वायर्ड कि कितने ह्यूमन रिसोर्स हमें क्या प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर में और टर्टियरी सेक्टर में चाहिए। प्राइमरी सेक्टर जहाँ से हमें रॉ मटेरियल जैसे एग्रीकल्चर वगैरह की एक्टिविटीज़ हुई पोल्ट्री फार्मिंग की हुई ये हमने लास्ट रीड भी किया था। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है और टर्टियरी सेक्टर जो सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हुई इंश्योरेंस सर्विसेज हुई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हुई इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब कि लास्ट 50 decades में इंडिया ने मतलब कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अटेन किया है और मैन पावर को भी इंक्रीज़ किया है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. कि ये जो भी measures लिए गए हैं इससे क्या है life expectancy क्या है increase हो गई है। Infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016. कि infant mortality, infant क्या होता है छोटे बच्चे को जो शिशु मृत्यु दर है वो हमारी क्या है 1951 में कितनी थी 147 अब कितनी रह गई 34%। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कि जो हमारी बर्थ रेट थी वो क्या है कितनी कम हो गई 20.4 तक और जो हमारी डेथ रेट थी वो कितनी हो गई 6.4। तो मतलब कि ये क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एक इंक्रीज़ होना ये क्या है मतलब कि चाइल्ड केयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज़ होना ये क्या शो करता है किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को शो करता है। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टिलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर, कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का कम होना ये हमें क्या शो करता है कि इसमें क्या है हम चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन किससे इन्फेक्शन वगैरह से होना उसको अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को भी और मदर को भी प्रोवाइड करना ये सब इंक्लूड होता है। ये हमने अभी जो पीछे 2.1 वाला टेबल 2.2 आगे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरीज फ्रॉम 1951 टू 2015, कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है डिस्पेंसरीज में। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सोनल फ्रॉम 1951 टू 2015, और कितना मतलब कि डॉक्टर्स एंड जो नर्सिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इंक्रीज़ हुआ है। ये देखो टेबल 2.2 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स कि किस 2013 में कितना था 2014 में कितना हुआ 2015 में कितना इंक्रीज़ आया 16 और 17। ठीक है इसके बेस पे आपको लास्ट क्वेश्चंस का आंसर देना है। डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज एडुकेट फॉर इंडिया इफ नॉट वाई, कि क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज के नंबर में इंक्रीज़ हुआ है वो इंडिया के लिए पर्याप्त है अगर नहीं तो क्यों। वट अदर फैसिलिटीज़ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आप कौन सी और फैसिलिटीज़ लेना चाहोगे। डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, कि जो भी हॉस्पिटल में आपने विजिट किया उसके बारे में डिस्कस करना है। और कैन यू ड्रॉ ए ग्राफ यूजिंग दिस टेबल, और उस हॉस्पिटल के बारे में आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है देर आर मैनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़, कि बहुत सी ऐसी जगह इंडिया में जहाँ पे क्या है बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस जस्ट फॉर स्टेट्स
लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, कि सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं 381 और डेंटल कॉलेजेस कितने हैं 301। सिर्फ चार ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक एजुकेशन एंड हेल्थ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में।